थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स उसके हैं -3, -4, -6 एंड इट्स इमेज इन एक्स वाई प्लेन। हमें एक बिंदु पी दिया हुआ है, इसका निर्देशांक -3, 4 और -6 दिया है। हमारे पास एक पॉइंट है, एक बिंदु है, उसका हमें कोऑर्डिनेट पता है। अब बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दूरी निकालने बोला जा रहा है। दूरी हमेशा दो चीजों के बीच में निकाली जाती है। इसमें से दो चीजों में से जो एक चीज थी वो तो हमारा पॉइंट पी है, जिसका कोऑर्डिनेट -3, 4 और -6 है। दूसरा कहाँ है? दूसरा उसका इमेज है, उसका प्रतिबिंब है। कहाँ पर? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में उसका इमेज लेना है। जस्ट समझिएगा, अगर हमारे घर में दर्पण है, आप लोगों के घर में दर्पण होगा, दर्पण जो है आप अगर उस दर्पण को देखें, दर्पण आपको एक प्लेन होता है, दर्पण मिरर जो होता है एक प्लेन फिगर होता है। प्लेन है मतलब उसमें दो एक्सिस आ रहे होंगे। अब जस्ट इमेजिन करिए कि वो मिरर जो है आपका एक्स वाई प्लेन है। जैसे आप इस बोर्ड को जो देख पा रहे हैं, जस्ट समझिएगा ये बोर्ड जो है अगर हमारा मिरर है, ठीक, तो इस मिरर के सामने मैं अगर खड़ा हूँ तो मैं तो एज ए ऑब्जेक्ट खड़ा होऊंगा। इस दर्पण, ये बोर्ड को अगर मैं दर्पण बोल रहा हूँ, तो इस दर्पण के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं वस्तु की तरह काम कर रहा हूँ। और इस दर्पण में जो दिखेगा, मिरर में जो दिखेगा वो मेरा इमेज होगा। है, आप लोगों ने फिजिक्स में इस बात को अच्छे से पढ़ा है, जाना है, समझा है कि प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर उसका ऑब्जेक्ट होता है, प्लेन मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है। समतल दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। आप अपने घर में दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आप एकदम दर्पण से एकदम चिपक के खड़े होइए, देखिए आपका इमेज भी एकदम पास होगा, आपका प्रतिबिंब भी एकदम पास होगा। जैसे जैसे आप इमेज से, जैसे जैसे आप मिरर से दूर होते जाएंगे, आपका इमेज भी उतना ही दूर होता चला जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मिरर से जितना डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर उसका इमेज होगा। दर्पण से जितनी दूरी पर हमारी वस्तु होगी, दर्पण से उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में जो दूरी निकालना है वो पॉइंट पी का, इस पॉइंट का जो इमेज बन रहा होगा उस इमेज से निकालना है। इस बिंदु पी का जो प्रतिबिंब बना होगा उस प्रतिबिंब वाले बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे इसका इमेज वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि इसका इमेज वाला पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, अब समझिए, अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। एक्स वाई जेड अगर तीनों हैं तो समझने के लिए, ये जो पॉइंट था इसी पॉइंट को हमने बोला था कि ये पॉइंट जो है ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों हैं। ऐसे तो ये भी पॉइंट है, वो भी है, लेकिन हम बात समझने के लिए इस पॉइंट को लेके समझ रहे हैं कि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों हैं। इस वाले पॉइंट पर एक्स वाई जेड तीनों नहीं है, इस वाले में केवल वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। यहाँ पर यही वाला पॉइंट, एक कॉर्नर वाला पॉइंट जो बाहर की तरफ निकला था, उसी में हमारा एक्स वाई जेड तीनों होता है। ये हमारा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। अब मुझे इस पॉइंट का इमेज लेना है, प्रतिबिंब लेना है। तो जितने डिस्टेंस पर, जितनी दूरी पर मिरर से ऑब्जेक्ट होगा, ठीक उसी के सामने उसका इमेज होता है। अब आइए जस्ट समझते हैं, हम इस समय अगर ओरिजिन पर खड़े हैं
और ओरिजिन पर खड़े होकर हमारा मन किया कि हम एक्स के डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चलें, तो एक्स के डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चलने का मतलब यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हमारा एक्स का 1 हो गया। अब यहाँ के बाद हमारा वाई में, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है, वापस से वही सा कॉन्सेप्ट है जो कि पिछली बार यूज हुआ था। यहाँ पर एक्स में 1 चलने के बाद अगर मेरा मन किया कि मैं वाई के डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर चलूँ, तो यहाँ से मुझे वाई के डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर जाना होगा, तब मैं यहाँ पहुँचूँगा। अब चूँकि बात यहाँ प्लेन की हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन जो है यही है मेरा, ये जो है मेरा एक्स वाई प्लेन है। मैंने ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वाई का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब यहां से मैं जेड की तरफ भी जाना चाहूं, एक्स का डिस्टेंस मैंने 1 सेंटीमीटर तय किया, वाई का डिस्टेंस मैंने 2 सेंटीमीटर तय किया, मेरा मन किया कि अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं जेड के डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चलूं, तो जेड के डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चलने के लिए मैं यहां से इसको ऐसे लूंगा। ये जो पॉइंट है यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब मैं पहुंचूंगा, तब अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में एक्स का भी वैल्यू है, वाई का भी वैल्यू है और जेड का भी वैल्यू है। अब मुझे अगर इसका इमेज लेना है, मुझे अगर इस पॉइंट का प्रतिबिंब लेना है, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, तो जस्ट समझिए ये एक्स वाई प्लेन जो आपको दिख रहा है, आप उसको एक मिरर बना लीजिए, ये आपके लिए एक दर्पण है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ इस मिरर से जितने दूरी पर ये है, ठीक इसके विपरीत दिशा में इसका प्रतिबिंब जाएगा। यहाँ से ये वाला जितना दूरी पर ये है, जितनी दूरी पर ये पॉइंट है, ठीक बोर्ड के अंदर, यानी यहाँ पर जो है ये हमारा मिरर है, ठीक इसके अंदर उतने ही दूरी पर उसका इमेज जाएगा। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज लेने के लिए जितना दूरी ये बोर्ड से बाहर निकला है, उतने ही दूरी ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा। अगर ये उतनी ही दूरी बोर्ड के अंदर गया, तो यहां पर किसका डायरेक्शन चेंज हुआ, एक्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, वाई का डायरेक्शन चेंज हुआ या जेड का डायरेक्शन चेंज हुआ? 2D में समझिए, 2D में पहले ये एक्स है, ये वाई है। अब यहां पर अगर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को ये वाई जो है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ये मेरा मिरर है, दर्पण है, तो ये उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका इमेज इधर बना होगा, जितना दूरी ये है उसका इमेज यहाँ पर उतने ही दूरी पर बना होगा। जो हमारा मिरर है, उस मिरर के जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक उसका उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। अब इस इमेज को बनाने के लिए हम जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, जस्ट विपरीत दिशा में चले गए, और ऐसा जाने समय हमने किसका डायरेक्शन चेंज किया, यहां पर जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट में किसकी वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पर ये एक्स जो है यहां पर प्लस में था, यहां पर एक्स जो है माइनस में हो जा रहा है, आपको दिखा? यहां पर जब आप पॉइंट लेंगे, तो यहां पर जो एक्स आएगा, उस एक्स में निगेटिव लग जाएगा, लेकिन जो y रहेगा वो तो अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक इसी को आप यहाँ पर समझिए, जेड एक्सिस हमारा किधर है, जेड एक्सिस जो है ये है हमारा, बोर्ड से जो बाहर निकला हुआ दिख रहा है ये आपका जेड एक्सिस है। अब समझिए, ये x जो था आपका प्लस में था, तो माइनस वाला x किधर जाएगा, माइनस वाला x आपका इधर रहेगा, ये आपका y जो है प्लस में है, तो ये y किधर होगा,
ये वाई माइनस वाला होगा, और ये जेड जो है ये जेड प्लस में है, तो अंदर वाला जो जेड होगा वो माइनस में होगा, होगा या मान लीजिए कि ये एक्स अगर माइनस में आप ले रहे हैं, ये एक्स माइनस को अगर आप बता रहे हैं, तो यहां वाला जो एक्स होगा वो प्लस का होगा। ये वाई को अगर आपने माइनस का वाई बताया, तो यहां जो वाई आएगा वो प्लस का होगा। और इस जेड, ये जो लाइन दिख रहा है, ये अगर हमारा माइनस वाला जेड है, तो जस्ट इसके अंदर वाला जो होगा वो प्लस का जेड होगा। बात इतनी सिंपल सी है। अब आइए, हम इस पॉइंट पर जब पहुंचे हैं, तो इस पॉइंट का हमें इमेज, इस पॉइंट का प्रतिबिंब लेना है। ये प्रतिबिंब के लिए, इस इमेज के लिए, जितना दूरी पर मैं इधर आया हूं, उतने ही दूरी पर मैं अंदर जाऊंगा। अब समझिए, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये जेड का डिस्टेंस हो रहा है, ये जेड वाली दूरी हो रही है। तो जब अंदर जाएंगे तो जेड का डायरेक्शन चेंज होगा, जेड का डायरेक्शन चेंज होगा। ये वाला जेड अगर प्लस में है, तो अंदर वाला जेड माइनस का होगा, और ये वाला जेड अगर माइनस का है, तो अंदर वाला जेड प्लस का होगा। तो इमेज लेने के लिए, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में इस पॉइंट का इमेज लूंगा, तो जस्ट अंदर जब जाऊंगा, तब उसमें जेड वाला पार्ट ही केवल चेंज होगा, एक्स और वाई मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स और वाई वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही रह जाएगा, केवल जेड का साइन चेंज होगा, जेड का केवल साइन चेंज होगा। अगर यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर का था, तो यहां से यहां तक भी ये 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहां पर माइनस का 2 आएगा, साइन चेंज हुआ, दूरी चेंज नहीं होगा। तो यहां से जितने दूरी पर ये है जेड वाला, उतने ही दूरी पर अंदर जाएगा, लेकिन उसका साइन चेंज होगा। अगर पहले जेड प्लस में है, तो अब इमेज वाले में जो जेड बनेगा उसमें माइनस लगेगा, और पहले के पॉइंट में अगर हमारा जेड माइनस में है, तो जब हम उसका इमेज लेंगे, तो इमेज में जेड प्लस में बनेगा, बाकी एक्स और वाई हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो कोऑर्डिनेट हमारा एक्स और वाई का है, उसके इमेज वाले पॉइंट, उसके प्रतिबिंब वाले बिंदु के निर्देशांक में भी एक्स और वाई वही रहेगा। अगर ये छोटी सी चीज़ आपको क्लिक करी, ये छोटी सी चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गई, तब इस क्वेश्चन में आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या बोला गया था हमें? हमें एक बिंदु दे दिया हुआ है, और बिंदु का हमें एक्स वाई प्लेन में इमेज निकालना है। एक्स वाई प्लेन में इमेज निकालने के लिए सोचिए क्या चेंज होगा। एक्स चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। वाई चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। जेड का केवल साइन चेंज होगा। जैसे यहां पर एक्स का साइन चेंज हुआ था, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, केवल साइन चेंज हुआ था, वैसे ही जेड का केवल साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर हमारे पास जेड जो है माइनस में है, तो इसका जो इमेज वाला पॉइंट निकलेगा, उस इमेज वाले पॉइंट में जेड प्लस में हो जाएगा। सॉल्यूशन में द गिवन पॉइंट इज -3, 4, -6। दिया गया बिंदु P -3, 4, -6 है। अब हमें इसका इमेज चाहिए, और इमेज कहां चाहिए? एक्स वाई प्लेन में चाहिए। द इमेज ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई, यहां पर लेट द इमेज ऑफ पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन इज Q। मान लिया कि ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P का जो प्रतिबिंब है एक्स वाई प्लेन में,
एक्स वाई समतल में जो इसका प्रतिबिंब है उसका नाम हमने क्यू दे दिया। अब सोचिए, क्यू जो है अपने आप में इमेज है, क्यू जो है वो प्रतिबिंब है, किसका? पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी का अगर वो प्रतिबिंब है और कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में जब प्रतिबिंब लेंगे तो उसमें जेड का साइन चेंज होगा, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या एक्स चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वाई चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। क्या जेड चेंज होगा? जी हाँ, जेड में क्या चेंज होगा? जेड में केवल उसका साइन चेंज होगा। ये माइनस का सिक्स है तो ये प्लस का सिक्स आएगा। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, पी और क्यू। पी आपका पहले वाला पॉइंट है और क्यू जो है उसका इमेज है। इमेज कहाँ पर? एक्स वाई प्लेन में। अब इसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, पी क्यू द्वारा प्रदर्शित होगा। और इसे निकालने के लिए फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो यहाँ पर माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस माइनस सिक्स, तो ये सिक्स माइनस प्लस का सिक्स हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का थ्री माइनस का थ्री उड़ गया, फोर माइनस फोर जीरो, ये भी उड़ गया, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वेल्व का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू जो है हमारा बहुत ही आसानी से ट्वेल्व निकल जाएगा। यानी बिंदु पी का उसके एक्स वाई समतल में जो प्रतिबिंब आया, उस प्रतिबिंब से बिंदु पी का जो दूरी है वो हमारा 12 इकाई आया, 12 यूनिट्स डिस्टेंस आया। अब इसी क्वेश्चन में जरा आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए, यहां पर तो एक्स वाई प्लेन बोला था, अगर वाई जेड प्लेन बोलता तब क्या होता? हमने यहाँ पर अगर एक्स वाई प्लेन लिया, क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन की जगह पर अगर हमने इसको एक्स जेड प्लेन बोला होता, तब इसके इमेज के बारे में सोचिए। एक्स जेड प्लेन में, पहले क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन था, एक्स वाई प्लेन था तो क्या चेंज हुआ? एक्स वाई प्लेन में इमेज जब जा रहा है तो जेड का साइन चेंज हुआ। एक्स वाई प्लेन में जेड का साइन चेंज हो रहा है तो एक्स जेड प्लेन में क्या होगा? एक्स जेड प्लेन में वाई का साइन चेंज हो जाएगा, होगा। तब एक्स जेड प्लेन में जो हमारा पॉइंट क्यू आता, इसमें वाई का साइन चेंज होता, तो वाई में पहले प्लस का फोर था तो यहां माइनस का फोर आ जाता, बाकी एक्स और जेड जो है हमारे वैसे के वैसे ही रह जाते। क्या ये बात समझ में आई? फिर से, अगर हमारा मान लीजिए वाई जेड प्लेन रहता, अगर इसी क्वेश्चन को हम बता दें कि भाई साहब ये पॉइंट पी माइनस थ्री फोर माइनस सिक्स है और इसका जो वाई जेड प्लेन में इमेज है उससे डिस्टेंस बताओ। सोचिए, वाई जेड प्लेन में जब इसका मैं इमेज बनाऊंगा, जब मैं इसका प्रतिबिंब वाई जेड प्लेन में लूंगा, तो वहां पर क्या चेंज होगा? वाई जेड प्लेन है तो उसमें एक्स चेंज हो जाएगा, और एक्स अगर चेंज होगा तो यहाँ पर अगर एक्स माइनस का थ्री है, तब वाई जेड प्लेन में जो क्यू आता उसमें माइनस थ्री की जगह यहाँ प्लस का थ्री रहता, बाकी ये फोर और माइनस सिक्स वैसे के वैसे ही रहते, तब हम उसका डिस्टेंस निकालते। तो ये है पिछला जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमने ऐसे ही एक पॉइंट लिया था और उस पॉइंट का हमने y एक्सिस से डिस्टेंस निकाला था, और ऐसे ही उसी पॉइंट से हमने एक प्लेन से भी उसका डिस्टेंस निकाला था। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट का एक प्लेन में उसके इमेज से उसका डिस्टेंस निकाला है। थ्री डी ज्योमेट्री अपने आप में बहुत बहुत बहुत
ईजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आते चले गए, ये चैप्टर बहुत आराम से आप सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आना चाहिए। बात केवल 3D की ही नहीं है, केवल 3D की नहीं, इनफैक्ट मैं अगर बोलूँ तो लगभग मैथमेटिक्स की भी बात छोड़ दीजिए, आप मैथमेटिक्स की भी बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सब रहता है। पढ़िए, सब पढ़िए। पढ़ लेने से आपके पास अगर नॉलेज रहेगा उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, नॉलेज रहने से कभी कुछ नुकसान नहीं होता। हाँ, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम आपको अपनी स्टडीज़ में लगाना पड़ेगा। स्टडीज़ में टाइम लगाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नया साल है, नए साल में आप कम से कम अपने लिए इतना तो सोचिए। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, व्यक्तिगत कुछ विचार हैं। नया साल का मौका है, नए साल के मौके पर कुछ ऐसी बातें जो मैंने आज तक कभी नहीं करी हैं, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज का जो भी आपका समय है, आज का जो भी आपका समय है ना, वो सबसे कीमती समय है। कल के डेट में आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, कल के डेट में वो सब आ सकती हैं, या आज के डेट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कल के डेट में वो सारी चीज़ें हट सकती हैं। यानी आज के डेट में जो चीज़ नहीं है कल के डेट में आप वो पा सकते हैं, जो आज के डेट में आपके पास है कल के डेट में आपसे छिन सकता है। आज का जो समय बीत गया ना, ये समय वापस नहीं आ सकता। आज का जो समय आपने बिता दिया, आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए, आपकी लाइफ 70, 80, 90, 100 साल होगी। हम लोग अगर अपने जीवन के बारे में सोचें कि हम कितना जी रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 90 100 110 120, यही होगी हमारी कल्पना ऑन एवरेज। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं कि मैं 70 साल तक जीने वाला हूं, तो 70 साल में से आधी ज़िंदगी मेरी निकल गई। जो बची वाली आधी ज़िंदगी है ना, उसके बारे में मैं कहां कहां पर कितना समय लगा रहा हूं, इसके बारे में ज़रूर सोचिए। आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज यही है, यही वो फेज है। आप सोचिए, आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए। ये जो आपके अगले 4-5 साल हैं, ये आपके लाइफ के वो अगले 4-5 इम्पॉर्टेंट साल हैं, जिसमें जितना समय है ना, आप अपनी स्टडीज़ को दीजिए। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का अनुभव किया है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, दोस्त यार हों, प्यार मोहब्बत हो, कोई भी हो, किसी के लिए अगर मैंने आज अपना काम छोड़ा, आज मैंने अगर अपने काम को कम करके कुछ समय उनको दिया, बदले में आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलता। काम सबसे प्रथम है। कभी कभी मन में ये विचार आता है, आज अगर उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, कल के डेट में मैंने उस व्यक्ति के लिए इतना समय निकाला था, 4 महीना पहले मैंने उस व्यक्ति के लिए अपना इतना समय निकाल के उसको दिया, कुछ काम कर रहा था मैं, ज़रूरी उससे मिलना था, चला गया, अपना काम छोड़ कर गया, बदले में आज के डेट में वो चीज़ मेरे पास नहीं है। आज के डेट में जो भी आपका समय है, वो आप अपने वर्क पर, आप अपने काम पर फोकस करिए। आपका काम जो है आपको एक मुकाम तक लेके जाएगा, लाइफ में एक स्थान आप हासिल कर पाएंगे अगर आज आपने फोकस अपने काम को दिया। तब अपना काम छोड़कर अगर आपने
अपना समय, आज का कीमती समय, वो कीमती समय जो लौट कर कभी वापस नहीं आता, वो कीमती समय अगर आज अपने काम को छोड़कर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया, बदले में हासिल कुछ नहीं होगा। अपनी लाइफ को, अपने आप को अपनी लाइफ में एक मुकाम पर ले जाकर सेट करवाइए, अपना टारगेट्स बनाइए, अपना एम, अपना गोल, अपना लक्ष्य तय करिए, मुझे लाइफ में ये बनना है, ये हासिल करना है। एक बार जब तक आप उस अपने एम को, अपने उस लक्ष्य को हासिल न कर लेना, तब तक आप इधर उधर किधर भी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए। किसी भी काम को करने के लिए समय लगता है। पौधा अगर आज के दिन में आपने लगाया ना, तो कल के डेट में उसमें फल नहीं आएगा। फल आने में एक निश्चित समय लगता है, उस निश्चित समय तक आपको इंतजार करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आज आपने पौधा लगा दिया, उसको छोड़ दिया कि आज के दिन में पौधा लगाया है, फल थोड़ी ना आज मिलेगा, फल तो कुछ समय बाद मिलेगा, कुछ समय के बाद आऊँगा, फल लेके जाऊँगा, नहीं मिलेगा। इतने लंबे समय में ना उस पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। केवल अपना लाइफ में एम सेट कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उस एम को, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने काम पर फोकस करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काम को किस तरह से ले रहे हैं। आज के डेट में मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आज के डेट में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है आपकी पढ़ाई। आज के दिन में आप जितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, जितना भी, दिन के 24 घंटे होते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में आपने कभी ये सोचा है, कभी ये सोचा, आप इस समय 12th क्लास में हैं, कभी आपने सोचा है कि आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे 12th में इस समय, सबकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, इन 12th में सभी के बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें से कोई एक टॉपर होगा, कोई एक टॉपर होगा, टॉप 10 में 10 बच्चे होंगे, टॉप 100 में 100 बच्चे होंगे। जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन टॉप 10 के बारे में, टॉप 100 के बच्चों के बारे में सोचिए। उन बच्चों के पास भी दो हाथ दो पैर एक सर है, आपके पास भी दो हाथ दो पैर एक सर है। उनके लिए दिन और रात 24 घंटे का अगर होता है, तो आपके लिए भी तो दिन और रात 24 घंटे का ही है। जिस चीज़ को आप इस समय अभी पढ़ रहे हैं, वो भी उस समय उसी चीज़ को पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई सेम, सबके लिए समय सेम, इनफैक्ट बोर्ड का जो पेपर होगा, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग और बैठे होंगे, उसमें टॉपर कोई एक होता है। टॉप 10 में 10 लोग होंगे, टॉप 100 में 100 लोग होंगे। एग्ज़ाम तो सबने दिया, पेपर सबका सेम था, सिलेबस सबका सेम था, पेपर सबका सेम है, सिलेबस सबका सेम है, सबके लिए दिन और रात 24 घंटे का है, फिर रिजल्ट जब आता है तो इतना फर्क कैसे, इतना फर्क। टॉपर, टॉप 10, टॉप 100, हम तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। कारण, कारण जो टॉपर है वो ऐसे ही नहीं बनता। आज के दिन में अगर अपना, आपने अपना समय, अपना कीमती समय अपने काम को फोकस किया, तो कल ये फोकस, ये जो आप अपने काम के प्रति अपना डेडिकेशन देने वाले हैं ना, कल के दिन में ये फल के रूप में वापस मिलेगा। पौधा लगा के छोड़ दिया, देखभाल नहीं की, फल नहीं मिलेगा। किताब लेकर बैठ जाना, कॉपी लेकर बैठ जाना, बुक खोल के बैठ जाना, बैठे हैं, एक घंटा निकला, दो घंटा निकला, तीन घंटा निकला, समय निकल गया, हासिल अगर कुछ नहीं किया तो समय वापस लौट के नहीं आता। और समय अगर एक बार निकल गया ना, और अगर आपने इस समय का सही ढंग से सदुपयोग नहीं किया, तो आपके लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा।
कालिदास के बारे में आप लोग जानते होंगे, छोटी सी स्टोरी है कालिदास की, सभी को पता है। कालिदास के बारे में ये कहा जाता है कि पेड़ के जिस डाली पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, पेड़ के जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आप कालिदास मत बनिए, आपको सब चीज पता है। अगर सब पता है तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ तो आप कर रहे हैं। अगर आज के डेट में आप अपनी पढ़ाई से कुछ समझौता करते हैं तो आपकी पढ़ाई अगर अच्छी चल रही है, अगर आज के डेट में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, सोचिएगा, जरा सोच के देखिएगा, क्या इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव, थोड़ा सा और अच्छा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और अगर जवाब मिले ना कि बना सकते हैं, तब कमी आपकी है, वो आपने क्यों नहीं बनाया। पढ़ने के लिए आप अपने समय का निर्धारण करिए, डिसाइड करिए कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अपने बारे में सोचिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।